नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले कि किस तरह से आप वर्डप्रेस की सबसे बेस्ट और फ्री थीम जिसका नाम है आयोन मेस, इस आप किस तरह से डिटेल में कस्टमाइज कर सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। अब देखिए, मेरे पास बहुत ही सारे यूज़र की कमेंट्स और क्वेश्चन हैं कि ऑनरो.com की जैसी हम किस तरह से थीम को कस्टमाइज कर सकें, जैसे कि नेविगेशन मेनू, लोगो, इसके बाद एड, इसके बाद होम पेज, जो ये सब कुछ किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। अब देखिए, ये वेबसाइट देख के कोई भी कहेगा कि इस तरह की हम थीम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, तो ये थीम का नाम है आयोन मेस, बिल्कुल फ्री थीम है। आप फ्री में डाउनलोड करके आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। तो आज हम ये वाली वेबसाइट को देखिए, computerhacks.com है, इसे हम बिल्कुल ऐसी वेबसाइट बनाकर मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा हो सकती है, तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें, तो ही आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको कुछ डिटेल में सीखने को मिलेगा जो कि YouTube में इस तरह से डिटेल में कोई नहीं सिखाता। तो देखिए, मैं आपको हिंदी में ये सभी वीडियो लेकर आता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट के बारे में, तो आपको अभी चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपको दिखाई देगी ऑनरो.com, तो मेरे पास बहुत ही सारे कमेंट्स हैं, बार बार यूज़र मुझे कमेंट में पूछते रहते हैं कि इस तरह की थीम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने एक ट्राई किया था कि तीन पार्ट में एक वीडियो बनाया था कि अलग अलग पार्ट में मैंने सिखाया था कि किस तरह से आयरन मेस का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इसका कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत ही सारे यूज़र के मन में क्वेश्चन था कि जो कुछ समझ में नहीं आया था किसी को, और कोई जो इसके बारे में बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, इसके बाद ये होम पेज का लेआउट कैसे लाते हैं। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं आपको आज की वीडियो में पूरी डिटेल में, इसका मतलब कि इस वीडियो की ड्यूरेशन कितनी भी हो, मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किस तरह से आप सब कुछ सेटअप कर सकते हो इसके बारे में आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगा, वो भी पूरी डिटेल में। तो इसे हम सबसे पहले क्लोज कर देते हैं, इसके बाद जब हमारा वीडियो एंड होगा तब मैं आपको ये दोनों वेबसाइट को कंपेयर करके दिखाऊंगा कि हमने एग्जैक्ट ऑनरो.com जैसी वेबसाइट को बना दिया। तो इसे हम करंटली क्लोज कर देते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो देखिए, आपको क्या चाहिए, आपका सी पैनल का एक्सेस है आपके पास और आपकी वेबसाइट का एडमिन पैनल, तो ही आप इस तरह से कस्टमाइज कर पाओगे। अगर आपकी जो वेबसाइट wordpress.com में आपने होस्ट करके रखी है, यानी कि वहाँ से आपने होस्टिंग प्रोसेस करके रखा है, तो मे भी आप इस तरह की कस्टमाइजेशन ना कर सके, क्योंकि इसमें आपको बैकएंड में कुछ फाइल भी एक्सेस करनी पड़ेगी। जब हम होम पेज में ब्रेड कम नेविगेशन वगैरह रिमूव करेंगे इसकी कस्टमाइजेशन के लिए, तो आपके पास सी पैनल का एक्सेस होना ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले सी पैनल ओपन करना है और आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड, और साथ साथ आपको गूगल ओपन करना है, क्योंकि गूगल के अंदर से आपको ये जो थीम है वो फ्री में डाउनलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल में, गूगल में जाके आपको सिंपल लिखना है, देखिए आयोन मेस, तो आपके सामने बहुत ही सारी लिंक आ जाएगी। इसमें से आपको जो दूसरी लिंक है इसे आपको ओपन करना है, क्योंकि ये ऑफिशियल लिंक है, वहाँ से जो ओरिजिनली थीम डेवलपर है वहाँ से आपको ओरिजिनल थीम मिलेगी आयोन मेस। देखिए, आपको आयोन मेस फ्री थीम, तो दूसरी वाली लिंक आपने विजिट की, इसके बाद आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक करके ये थीम को आपको डाउनलोड करना है। अब देखिए, मैंने आपको सी पैनल क्यों कहा, क्योंकि ये जो थीम की साइज़ देखिए आपको यहाँ पर दिखा देगी, और आपके वर्डप्रेस में मेरे ख्याल से 2 MB से ज़्यादा की फाइल आप अपलोड नहीं कर पाओगे, तो इसी दिन से आपके पास होना चाहिए आपका सी पैनल का एक्सेस। तो मैं सी पैनल में लॉगिन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको आपका सी पैनल का यूजर नेम और आपका पासवर्ड लिख के आप अपने सी पैनल में लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद मैं जो वेबसाइट में भी लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए, हमने वेबसाइट में भी लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली, इसके बाद सी पैनल भी ओपन कर लिया, इसके बाद हमने थीम को भी अब डाउनलोड कर लिया है। अब इस विंडो को हम क्लोज कर देते हैं, और जो जहां पर आपने थीम को डाउनलोड किया है अभी देखिए डाउनलोड हो रही है। तो जैसे आपकी थीम डाउनलोड होती है, इसके बाद आपके आगे का स्टेप जो ये थीम है आपको आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में अपलोड करने हैं, यानी कि इंस्टॉल करने हैं। अब देखिए, थीम की साइज़ बहुत ही बड़ी है, इसलिए आपके डायरेक्टली आप अपने डैशबोर्ड में से इस थीम को अपलोड नहीं कर पाओगे, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा सी पैनल,
सी पैनल ओपन करने के बाद आपको फाइल मैनेजर, अगर आप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का यूज़ करते हैं जैसे कि डिजिटल ओशन, तो मेरे ख्याल से आपको यूज़ करना चाहिए फाइलजिला एफटीपी क्लाइंट सॉफ्टवेयर। इसकी मदद से आसानी से आप ये थीम को आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में अपलोड कर पाओगे। सी पैनल का फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद सिंपली आपको जाना है आपकी जो भी ये थीम है, यानी कि आपकी वेबसाइट के डब्ल्यू पी कंटेंट फोल्डर, इसके बाद थीम फोल्डर के अंदर, वहाँ जाकर आपको ये थीम को अपलोड करना है। अब देखिए करंटली हमारे अप्रीजेंस के अंदर एक ही थीम होगी, और जैसे हम थीम को अपलोड करेंगे तो यहाँ पर एक थीम आ जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको जाना है, इसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक करना है और सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है, और जो भी रिसेंटली हमने डाउनलोड की है आयोन मेज, वही थीम को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जबकि जब देखिए हमने आयोन मेज सिलेक्ट कर लिया, अब ये थीम की साइज़ तकरीबन 8 MB है, तो डायरेक्टली आपकी डैशबोर्ड की मदद से तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको ये बैकएंड में जाके इसे अपलोड करना पड़ता है। अब देखिए थीम सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसके बाद सिंपली आपको इस क्लोज को टैप करना, इस टैब को क्लोज करना है, और यहाँ पर जाके आपको एक बार रीलोड करना है। अभी आपको दिखा देगी आपकी जिप फाइल, इसे आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करनी है। देखिए इस तरह से, ये सब कुछ नॉर्मल बातें हैं वो आपको पता होगी, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। तो इसके बाद आपको जिप फाइल को डिलीट करना है आपके सर्वर में से। इसके बाद ये वाले फोल्डर में आपको जाना है, इसके अंदर आपको इस तरह से देखना है। अब देखिए पहले क्या था, देखिए मैंने स्टार्टिंग में जब इसे इंस्टॉल किया था तो इसके अंदर इनर फोल्डर थे, इसका मतलब कि इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो आपको जो इसका मेन थीम का फोल्डर है इसे आपको बाहर लाना पड़ेगा, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसलिए आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जैसे आपने थीम अपलोड कर ली, इसके बाद फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया, इसके बाद आपको जाना है आपकी डैशबोर्ड में, वहाँ जाके आपको थीम पे क्लिक करना है। अब देखिए जैसे आप थीम पे क्लिक करोगे तो आपको एक थीम दिखा देगी, इसका नाम होगा आयोन मेज। इसके बाद सिंपली आपको इसे एक्टिव करना है, तो आपकी जो थीम है वो सक्सेसफुली आपकी वेबसाइट के अंदर एक्टिव हो जाएगी। देखिए थीम सक्सेसफुली एक्टिव हो चुकी है। इसके बाद सिंपली देखिए आपको यहाँ पर दिखा देगा दो ऑप्शन, जैसे आपकी थीम एक्टिव होती है, इसके बाद आपको आगे का स्टेप आपको देखिए यहाँ पे जो इसके डिफॉल्ट प्लगइन है वो सभी प्लगइन आपको आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट यानी कि आपकी थीम है इसके अंदर आपको इंस्टॉल करके एक्टिव करने पड़ेगा। अब देखिए इसके अंदर डिफॉल्ट ये सभी प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसका मतलब कि आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मे बी एक भी प्लगइन इसमें से मिस होता है तो आप पूरी तरह से कस्टमाइज नहीं कर पाओगे। अब देखिए हमने थीम को एक्टिव कर दिया, इसके बाद सिंपली तो आगे का हमारा स्टेप रहेगा इसे हम कस्टमाइज़ किस तरह से कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको इसे डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है और एक्टिव करनी है। अब देखिए हमने थीम को सक्सेसफुली एक्टिव कर दिया। अब जैसे कि आप नॉर्मली थीम पहली बार आप इसे एक्टिव करोगे तो इस तरह से शो होगी, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट में आर्टिकल है तो इस तरह से शो होगी। सिंपली देखिए आपको दिखा देगी जिसमें ऑलरेडी जो पहले से हमने आर्टिकल ऐड करके रखे थे, ये सिंपल आयरन मेज का लेआउट है। अगर आपकी वेबसाइट में एक भी आर्टिकल नहीं है तो इसका लेआउट कुछ अलग ही दिखेगा। तो देखिए इस तरह से आ गया। इसके बाद आपका जो सबसे पहले आगे का स्टेप होगा वो इस थीम को पूरी तरह से कस्टमाइज़ करना, इसका मतलब कि आपको सबसे पहले जाना आपके डैशबोर्ड में और वहाँ जाकर आपको विजिट करनी है थीम पैनल। अब यहाँ से आपका जो रियल काम स्टार्ट होता है। अब देखिए ये जनरली पहली बार आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में इसे इंस्टॉल करोगे और एक्टिव करोगे तो इस तरह का लेआउट आएगा। इसके बाद देखिए अगर आपकी वेबसाइट फ्रेश है और आप इसका डेमो यूज़ करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान रह सकता है। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है कि अगर आप इसका डेमो यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली ये थीम सेटअप हो जाएगी। इसके बाद आपको ये सभी आर्टिकल वगैरह डिलीट करने हैं और आपको कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी आपने कुछ आर्टिकल ऐड करके रखे, जैसे कि देखिए हमने ऐड करके रखे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप डेमो यूज़ करते हो तो। अब देखिए होगा क्या, जैसे कि आप डेमो इंपोर्ट करोगे तो आपके आर्टिकल सभी मिक्स हो जाएंगे, अगर आप एडसेंस यूज़ करते हो तो आर्टिकल डुप्लीकेट होने की भी पॉसिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से आपको यह नहीं करना चाहिए अगर आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी आर्टिकल ऐड करके रखे हैं तो। तो इसके लिए आपको जो मैं आज के वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ किस तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वहीं स्टेप का आपको यूज़ करना चाहिए। अब देखिए ये जो सिंपल आपने देखी इस तरह से वेबसाइट है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो सिंपल आपको करना क्या है, सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो हम स्टार्ट करते हैं हेडर से, कि किस तरह से आपको हेडर को कस्टमाइज़ करना है, किस तरह से नेविगेशन मेनू वगैरह सेटअप करना है। तो
करंटली हमें थीम पैनल के अंदर, इससे पहले आपकी जो वेबसाइट ऑलरेडी आपने सेटअप करके रखे तो मे भी आपकी वेबसाइट में मेनू तो हो गए। अगर मेनू नहीं है तो सबसे पहला काम आपको मेनू क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में आपको इसे यूज़ करना है आपकी ये जो थीम पैनल है इसके अंदर। तो क्योंकि सबसे पहला हमारा स्टेप है वो हेडर, तो आपको जाना है मेनू में। अब देखिए हमारे पास करंटली एक भी मेनू नहीं है, तो सबसे पहले हम मेनू क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा मेनू रहेगा मेन मेनू इस तरह से, और आपको क्रिएट मेनू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप अपने मुताबिक कैटेगरी वगैरह ऐड कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हमने मेनू क्रिएट कर लिया, इसके बाद आपको चूज करना है देखिए हेडर मेन मेनू, और यहाँ पे आपको चूज नहीं करना है तो डायरेक्टली आप थीम की पैनल में भी चूज कर सकते हो। इसके बाद फिर से आपको सेव चेंजेस पर क्लिक करना है, और इसके अंदर आपको अब ऐड करनी है कैटेगरी वगैरह। तो देखिए सबसे पहला आपका टैब रहेगा होम पेज, तो देखिए होम पेज का जो पेज करंटली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप कस्टम लिंक का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपल आपकी वेबसाइट के लिंक पेस्ट करने हैं इस तरह से, और आपको यहाँ पर लिखना है होम। और इसके बाद आपको एड मेनू पे क्लिक करना है, देखिए सबसे पहला पेज हमारा आ चुका है। इसके बाद आगे का स्टेप होगा आपको आपकी कैटेगरी। अब देखिए ऑलरेडी आपने वेबसाइट को सेटअप करके रखा तो आपके पास कैटेगरी तो होगी, तो आपको कैटेगरी पे क्लिक करना है। इसके बाद व्यू ऑल पे क्लिक करना है, और देखिए आपको देखा देखा ये सभी आपकी कैटेगरी है। तो इसमें से जो आप कैटेगरी ऐड करना चाहते हो आपके नेविगेशन मेनू में, इसे आप एक एक करके चूज कर लीजिए। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर चूज करने वाला हूँ डिवाइस, इसके बाद डू यू नो, और इसके बाद फाइल एक्सटेंशन, फुल फॉर्म, फंडामेंटल वगैरह, हाउ टू, इसके बाद न्यूज़, इतनी कैटेगरी, और ट्रिक एंड ट्रिप्स। इसके बाद हम ऐड मेनू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की कैटेगरी आ जाएगी। इसके बाद आप अपने मुताबिक इसे सब मेनू में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं होम, के बाद आएगा हाउ टू, इसके बाद ट्रिक एंड ट्रिप्स, और इसके बाद हम और कर देते हैं कस्टम लिंक, आप अपने मुताबिक यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर हम ऐड करेंगे हैशटैग, और इसके बाद आपको लिखना है ट्यूटोरियल, आप अपनी वेबसाइट के मुताबिक लिख सकते हो। अब देखिए ट्यूटोरियल आ चुका है, इसके बाद हम रखेंगे ट्रिप्स एंड ट्रिक, के बाद ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल के अंदर हम रखेंगे डिवाइस, इसके बाद डू यू नो, फाइल एक्सटेंशन, फुल फॉर्म और फंडामेंटल, इसके बाद हम रखेंगे न्यूज़, और इसके बाद एक और कस्टम लिंक होगी, इसके बाद हैशटैग, और यहाँ पर हम लिखेंगे मोर इस तरह से, और इसे हम ऐड मेनू पर क्लिक करेंगे, और हम देखेंगे लास्ट में इसे हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं। देखिए आपको दिखाई देगा मोर, और मोर के अंदर आप अपने जितने भी पेजेस हैं इसका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि देखिए अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर एंड प्राइवेसी पॉलिसी, एड टू मेनू, और इसे आप मोर के अंदर ले लीजिए। अब देखिए मेरे ख्याल से हमारा नेविगेशन मेनू रेडी हो चुका है, इसके बाद सिंपली आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, तो आपका नेविगेशन मेनू रेडी हो चुका है। इसके बाद आपको एक और मेनू बनाना पड़ेगा, जैसे कि अगर आपको ऑन रोड की तरह टॉप में मेनू शो करवाना है तो इसका नाम हम रखेंगे टॉप मेनू। अब देखिए हमारा टॉप मेनू सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से चूज करना है टॉप हेडर मेनू, इसके बाद सेव चेंजेस पे, और जो भी आप पेज इसमें ऐड करना चाहते हो उसे आपको चूज करना है। जैसे कि देखिए हम चूज करेंगे ये वाले सभी पेज, देखिए अबाउट अस, कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी, और ऐड टू मेनू आपको क्लिक करना है। अब देखिए सभी पेज आ चुके हैं, और आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, तो आपका नेविगेशन मेनू मेरे ख्याल से सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। अब मेनू बनाने के बाद या तो आपके पास ऑलरेडी आपने मेनू बनाकर रखे हैं तो यह काम आप अपनी थीम पैनल में से भी कर सकते हैं। हेडर के अंदर जाना है, वहाँ जाकर आपको देखिए टॉप बार, और इसके बाद आपका हेडर मेनू, तो वहाँ जाकर आप डायरेक्टली मेनू सेटअप कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी मेनू बनाकर रखे हैं तो। अगर आपने नहीं बनाए तो आप बनाते समय यहाँ से भी चूज कर सकते हो कि आपको इस मेनू को, जो मेनू की पोजीशन आपको कहाँ पर रखनी है। अब देखिए हमने नेविगेशन मेनू को काम कंप्लीट कर दिया है, अब हम वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये मेनू शो होता है। अब देखिए हमने जैसे रिफ्रेश किया तो सबसे पहले आपको दिखा देगा टॉप मेनू, इसके बाद दिखा देगा आपको ये वाला मेन नेविगेशन मेनू, देखिए ट्यूटोरियल इसके अंदर सब मेनू, और मोर के अंदर सब मेनू। अब देखिए साथों साथ हम दूसरे ब्राउज़र के अंदर जो हमारी आयरन में हमने यूज़ करके रखी है वो वाली वेबसाइट यानी कि onroad.com है, इसे हम ओपन कर देते हैं ताकि हम इसे कंपैरिजन कर सकें जो करंटली हम वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर रहे हैं इसके साथ। तो यहाँ पर हम नया टैब ओपन करते हैं,
इसके बाद यहाँ पर भी हम इसे ओपन कर दे रहे हैं। अब देखिए auto.com ओपन हो चुके हैं। अब देखिए हम नेविगेशन मेनू को कंपेयर करते हैं, तो जैसे कि हमने टॉप मेनू बनाया था वो सही से शो हो रहा है। इसके बाद मेन मेनू के अंदर आपको आइकॉन मिस हो रहे हैं, तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको आइकॉन नहीं दिखाई देगा, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्लगइन सेक्शन में। इसके बाद आपको एड न्यू प्लगइन, क्योंकि अगर आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट में तो जो आपको फॉन्ट अवसम आइकॉन का यूज़ करना है, तो आपको एक प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा। इस प्लगइन का नाम है फॉन्ट अवसम आइकॉन फॉर मेनू। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ प्लगइन कौन सा, ये वाला प्लगइन। आपको सिंपली जो ये वाला नाम है वो आपको एड प्लगइन पे लिखना है, फॉन्ट अवसम फॉर मेनू। तो आसानी से आपको ये प्लगइन आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपको इंस्टॉल करना है, इसके बाद ही आप फॉन्ट अवसम आइकॉन का यूज़ कर पाओगे, और तो ही आपके मेनू में इस तरह का आइकॉन शो होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है फिर से आपकी नेविगेशन मेनू में, अपीयरेंस, इसके बाद मेनू, और वहां जाके आपको जितने भी आपको आइकॉन की रिक्वायरमेंट है वो सभी आइकॉन आपको ऐड करना है। तो आपको अब देखिए हम आ चुके हैं मेनू में, वहां जाके टॉप मेनू की जगह हम सर्च करेंगे मेन मेनू, और सिलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा मेन मेनू सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमने मेन मेनू सिलेक्ट कर लिया। जैसे आप फॉन्ट अवसम फॉर मेनू प्लगइन इंस्टॉल करते हो, इसके बाद आगे का स्टेप होगा आपका, आपको देखिए स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए मैं आपको जितने भी स्टेप दिखा रहा हूँ वो आपको एक एक करके देखने हैं। अब देखिए आपको दिखा देगा स्क्रीन ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है, और आपको देखना है कि क्या आपके मेनू के अंदर स्क्रीन ऑप्शन के अंदर आपका ये टिक मार्क है, यानी कि CSS क्लास, तो ही आपको मेनू के अंदर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने होम पे क्लिक किया और आपको एक दिखा देगा, देखिए CSS क्लास, इसका मतलब कि अगर आपने आप स्क्रीन ऑप्शन के अंदर से ये CSS टिक करके रखा है CSS क्लास, तो ही आपका मेनू के अंदर ऑप्शन शो होगा। अब देखिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके स्क्रीन ऑप्शन में ये CSS क्लास एनेबल है, यानी कि टिक मार्क है, तो ही आपके नेविगेशन मेनू में CSS क्लास का ऑप्शन आएगा। अब इसे हम मिनिमाइज़ करते हैं और आपको जाना है आपके नेविगेशन मेनू में। अब देखिए अगर आपको फॉन्ट अवसम आइकॉन के बारे में पता नहीं है, तो डायरेक्टली आप गूगल में लिख सकते हो कि फॉन्ट अवसम, देखिए इस तरह से आइकॉन, तो आपके सामने वेबसाइट आएगी। इसमें से देखिए यह प्लगइन के मुताबिक आपको यूज़ करना है यह W3 फॉन्ट अवसम आइकॉन की जो लिस्ट है इसे, क्योंकि देखिए करंटली जितने भी लेटेस्ट फॉन्ट अवसम के आइकॉन हैं वो आपकी ये प्लगइन के साथ वर्क नहीं करेंगे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे पहले तो आपका ये होम पेज है नेविगेशन मेनू के अंदर, तो आपको मेरे ख्याल सबसे पहले जो आपको होम का आइकॉन शो करवाना है, तो आपको लिखना है F है, इसका मतलब कि फॉन्ट अवसम, इसके बाद आपको लिखना है होम, तो जो आपका होम आइकॉन आ जाएगा। अब देखिए हम लिख लीजिए, आपको लिखना है F है, इसके बाद होम, इसके बाद आपको जाना है हाउ टू पे। अब देखिए जनरली यहाँ पर आपको दिखा देगा हाउ टू के अंदर गियर का आइकॉन है, तो सिंपली आपको वहाँ पर लिखना है फॉन्ट अवसम, इसके बाद गियर, इस तरह से, तो ये हो गया। अब देखिए इसे नोटिस करते नोट कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पर भी आइकॉन है इसका भी यूज़ कर सकते हो। देखिए आइकॉन की लिस्ट होगी पूरी, इसमें से आपको जो भी पसंद आए इसका आप यूज़ कर सकते हो आपके नेविगेशन मेनू के अंदर। तो करंटली तो मेरे पास जो मैंने जितने भी मुझे पता है वो सब कुछ यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद ट्रिक के अंदर देखिए इस तरह से आप ले सकते हो गियर्स, और इसके बाद आपको आगे का स्टेप है वो है ट्यूटोरियल। अब देखिए आपके सब मेनू के अंदर आप आइकॉन ऐड नहीं करोगे तो चलेगा, यहाँ पर मिल रहे थे एंड्रॉयड। अब देखिए जो आगे का मेनू है वो है न्यूज़ का, तो इसके लिए देखिए आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़ के लिए न्यूज़पेपर का आइकॉन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो W3 ये आइकॉन की लिस्ट के अंदर से आपको न्यूज़पेपर का आइकॉन फाइंड करना है। तो देखिए आपको ये पूरी लिस्ट है, इसके अंदर आप आपको जो भी अच्छा लगा इसका आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से आप न्यूज़पेपर का यूज़ करोगे तो आपके मेनू के लिए अच्छा रहेगा। तो सिंपली आपको जाना है यहाँ पर और आपको फाइंड करना है न्यूज़पेपर का आइकॉन, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास आ चुका है न्यूज़पेपर का आइकॉन, आपको दिखा देगा यहाँ पर, देखिए ये वाला। तो यहाँ से आपको इसके सामने से इसका शॉर्टकट कॉपी करना है इस तरह से, और आपको जाना आपकी नेविगेशन मेनू में, और वहाँ जाकर आपको CSS क्लास में इसे पेस्ट करना है और इसे मिनिमाइज़ करना है, और मोर के अंदर आपको ये लिखने की ज़रूरत है। देखिए मैं सभी मेनू के अंदर यही यूज़ करता हूँ TH, और आप इसे मिनिमाइज़ कर दीजिए। अब मोस्ट ऑफ आपका काम हो चुका है, इसके बाद आपको सेव चेंजेस पर क्लिक करना है, तो आपके नेविगेशन मेनू के अंदर अब आसानी से आप आइकॉन शो करवा पाओगे।
अब मैं जाता हूँ वेबसाइट में, वहाँ जाके मैं एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो आपको पता चलेगा। अब देखिए जैसे हमने वेबसाइट को रिफ्रेश किया तो आपको दिखा देगा ये मेनू के अंदर सभी आइकॉन आ चुके हैं। तो इस तरह से आपको नेविगेशन मेनू के अंदर आइकॉन ऐड करना है। इसके बाद आगे का स्टेप है, आगे हम बात करते हैं थीम पैनल की, तो इसे हम करंटली क्रॉस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा जो हेडर के अंदर नेविगेशन मेनू सेट हो चुका है। अब देखिए जैसे आप थीम हेडर में जाते हो तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं बहुत ही सारे। सबसे पहला ऑप्शन है हेडर स्टाइल आप किस तरह से चूज़ कर पाओगे। अब देखिए ये वाली या तो ये वाली, अगर ये चूज़ करते हो तो जो आपका ये नेविगेशन मेनू वगैरह वो मिडिल में आ जाएगा। अगर आप ये रहें तो ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है, तो इसे आप चूज़ कर लीजिए। इसके बाद आपका जो सर्च ऑप्शन, अब देखिए सर्च ऑप्शन आप टॉप बार में भी ऐड कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से टॉप बार में आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपके लिए देखिए आप मेन मेनू में इसे रहने दीजिए जैसे करंटली है इस तरह से। इसके बाद टॉप बार पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए टॉप बार के अंदर आप जाओगे तो इसका लेआउट आप चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको देखिए अगर आपकी टॉप बार डिसेबल है तो इसे आपको एनेबल करना पड़ेगा। इसके बाद आपका टॉप बार, जो टॉप बार लेआउट, तो जैसे कि देखिए आपको इस जो इस आइकॉन के अंदर दिखा देगा कि सबसे पहले आपका मेनू और सोशल आइकॉन, इसके बाद सोशल आइकॉन आपका मेनू और आपका मेनू सोशल आइकॉन और आपका मेनू सोशल आइकॉन, देखिए आपको इस तरह दिखाई देगा। तो अगर आप इस लेआउट को चूज़ करते हैं और सेव सेटिंग पर क्लिक करते हैं और वेबसाइट को हम रिफ्रेश करते हैं तो अब जो ये पोजीशन सोशल आइकॉन की और मेनू की चेंज हो जाएगी। अब देखिए मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अब देखिए पोजीशन चेंज हो चुकी है, देखिए आपको आइकन यहाँ पर आ चुके हैं और आपका मेनू। तो इसके अलावा जो आपका जो डिफॉल्ट कस्टमाइजेशन है इसे आप रहने दीजिए लेआउट। इसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिए, तो जिस तरह से सबसे पहले था इस तरह का आपका लेआउट हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपका मेनू और आपका आइकॉन। अब देखिए जैसे हमने सेटिंग को सेव किया तो आपका मेनू मिस हो गया, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए सिलेक्ट टॉप मेनू पर जाना है और वहाँ जाकर आपको आपका जो नेविगेशन मेनू है इसे चूज करना है, क्योंकि देखिए अब आपको यहाँ पर मेनू शो नहीं हो रहा। तो आपको ऐसी जो छोटी छोटी मिस्टेक है इसे आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो ये थीम पैनल हमने स्टार्टिंग में ओपन किया था इसी तरह से ऐसे ही ओपन है। अब देखिए हमने इस थीम पैनल को रिफ्रेश नहीं किया था तो इसी रीज़न से यहाँ पर मेनू शो नहीं हो रहा। अब देखिए आपको अगर मेनू शो नहीं होता तो आपको होगा कि ये मेनू कहाँ गया, तो इसके लिए आपको इस थीम पैनल को एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो इस मेनू के अंदर आपका टॉप मेनू शो होगा, तो ये छोटी छोटी बातों का भी आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अब आपको क्लिक करना है टॉप बार मेनू पे और वहाँ पर आपको देखिए सिलेक्ट टॉप मेनू पे जाना है और आपको चूज़ करना है आपका टॉप मेनू। तो ये ऐसी जो कॉमन छोटी छोटी गलती को आप इग्नोर मत कीजिएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए अब हम वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आपको पता चलेगा कि नेविगेशन मेनू सक्सेसफुली आ चुका है। अब देखिए आ चुका है, तो इस तरह के आप छोटी छोटी गलती का भी ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए फिर से हमने रिफ्रेश किया तो आपका नेविगेशन मेनू भी यहाँ से मिस हो चुका है, तो इसे भी आपको फिर से सेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने थीम पैनल को रिफ्रेश नहीं किया था। इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ कस्टमाइजेशन कि देखिए अब क्या आप अपनी टॉप बार में सोशल मीडिया आइकॉन शो करवाना चाहते हो तो आपको इसे एनेबल करना है। इसके बाद हम इसे एनेबल नहीं करेंगे, साइन इन और ज्वाइन आइकॉन, तो इसे आप स्किप कर दीजिए। इसके बाद आप शो डेट पे इसे एनेबल कर दीजिए ताकि आपकी वेबसाइट में देखिए इस तरह से डेट शो हो। और इसके बाद आपको जाना है डायरेक्टली आपका मेन मेनू में और वहाँ जाके आपको सबसे पहले आपका काम होगा कि आपको चूज़ करना है आपका मेन मेनू। अब देखिए मेन मेनू, इसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब देखिए हमने मेन मेनू चूज़ कर लीजिए। इसके बाद फिर से आप रिफ्रेश कीजिए इस मेनू को तो आपका जो पहले सा लेआउट था इस तरह का हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही कॉमन मिस्टेक आपसे होती है क्योंकि हमने पहले थीम पैनल को रिफ्रेश नहीं किया था और नेविगेशन मेनू बना दिया था और सब कुछ लॉस्ट हो चुका था, तो ऐसा हो सकता है। तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसी रीज़न से मैंने आपको में बता दिया कि ऐसा भी हो सकता है। तो हमने चूज कर लिया नेविगेशन मेनू, इसके बाद टॉप मेनू। अब आगे की बात आती है देखिए लोगों की। अब जैसे कि आप देखिए मेन मेनू को हाइड कर दीजिए। इसके बाद देखिए आगे के मेक जो स्टेप स्किप कर दिया है, मेन मेनू पे क्लिक करना है। अब देखिए काफ़ी सारे यूज़र मुझे पूछते रहते हैं कि जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो जो ये मेनू है वो स्टिकी किस तरह से हो जाता है, तो आपको जाना आपकी थीम पैनल में। अब देखिए जैसे हमने मेन मेनू पे क्लिक किया, इसके बाद आपको स्टिकी मेनू पे जाना है, देखिए ये वाला ऑप्शन पे, और आपको चूज करना है देखिए ऑलवेज स्टिकी, देखिए स्टे टॉप ऑफ द पेज, ये ऑप्शन आपको चूज करना है। अब देखिए पहली बार आप इस थीम को इंस्टॉल करोगे तो आपका ये नॉर्मल होगा, नो स्टिकी, आपको चूज करना है ऑलवेज स्टिकी। इसके बाद आपको सेव सेटिंग पे क्लिक करना है और आपको एक बार इसे पेज को रिफ्रेश करना है, जो आपका नेविगेशन मेनू है वो स्टिकी होगा। अब देखिए जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, देखिए इस तरह से
आपको दिखा देगा। तो ये स्टिकी हो गई, आपको यहाँ पर स्टिकी दिखा देगा। तो देखिए ये आपका जो मेन मेनू है इसका काम हो चुका है। अब हम बात करते हैं आगे लोगो की। देखिए आपको लोगो पे क्लिक करना है। अब देखिए लोगो मैंने ऑलरेडी पहले से बना कर रखा था और मैंने इस थीम का इसमें यूज़ भी किया था, तो आपको सिखाने के लिए मैंने इस थीम को इसमें डिलीट किया था, तो लोगो फिर से आ चुका है। तो आपको लोगो किस तरह से बनाना है, अब देखिए मेरे पास बहुत ही सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं वीडियो बनाने के बाद कि लोगो किस तरह से बनाया, कहाँ से बनाया, किस साइज का लोगो है ये वगैरह। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको जो देखिए आप किसी भी वेबसाइट को फॉलो कर रहे हो, जैसे कि देखिए आज की वीडियो में बना रहे हैं ondo.com जैसी थीम, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल लीगल है। आपको इसका यूज़ नहीं करना, लेकिन आप इसकी साइज़ इसके डायमेंशन वगैरह जान सकते हो। तो सिंपली आपको करना क्या है, देखिए इस लोगो का प्रोडक्ट क्लिक करना है, इसके बाद सेव इमेज पे क्लिक करना है और आपके लोकल कंप्यूटर में इसे आपको सेव करना है। इसके बाद बिल्कुल इसकी इस जो इस लोगो की जितनी भी साइज है इतनी साइज का लोगो आप अपने फोटोशॉप का यूज़ कीजिए या कोई दूसरे टूल का यूज़ कीजिए और आप इसे बना दीजिए। तो देखिए जैसे हमने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से लोगो वगैरह बनाना है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर देखा, तो आपको एक्चुअली करना क्या है कि एक्जैक्ट इस तरह का लोगो आप किस तरह से बना सकें। अब देखिए आपको डायमेंशन वगैरह चूज़ करना नहीं आता, अगर आपको फोटोशॉप का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो डायरेक्टली जैसे कि देखिए हम लोगो अपने आपके लोकल कंप्यूटर में सेव किया, तो अगर आपके कंप्यूटर में आपने फोटोशॉप इंस्टॉल करके रखा है तो डायरेक्टली आपको इस पर राइट क्लिक करना है और आपको ओपन विथ फोटोशॉप करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली इसका डायमेंशन मिल जाएगा। जबकि ओपन विथ इसके बाद हम चूज कर लेते हैं फोटोशॉप, तो अब जो फोटोशॉप ओपन होगा इसके अंदर ये लोगो होगा और आपको इस लोगो के ऊपर आपका लोगो जिस तरह से आप बनाना चाहते हो इस तरह का लोगो आपको रिप्लेस करना है, और जो आपका बैकएंड में जो मेरा वाला लोगो है इसे आपको डिलीट करना है ताकि आसानी से आप इस लोगो को बना सकें। तो देखिए जनरली क्या होता है कि आपके पास आपकी वेबसाइट है तो आपका इसका लोगो तो होगा ही। तो अब मैं आपको आगे के स्टेप बता दूँ कि एक्चुअली आपको किस तरह से लोगो बनाना है, एग्जैक्ट इस तरह का लोगो। अब देखिए लोगो फोटोशॉप में ओपन हो चुका है। अब देखिए जनरली क्या होता है, अगर आपके पास फोटोशॉप का नॉलेज नहीं है तो आपके पास आपने किसी और से लोगो बनाया है तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए कंप्यूटर हैक्स का जो हम वेबसाइट को कस्टमाइज़ करें, ये वाला लोगो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा सिंपली इस लोगो को यहाँ से ड्रैग करूँगा और फोटोशॉप में ले जाऊँगा और इसके ऊपर आपको रिप्लेस करना है। अब देखिए ये लोगो आ गया, इसके बाद आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर जाना है और आपको जिस तरह से एडजस्ट करना है आप एडजस्ट कर दीजिए इस तरह से, देखिए फोटोशॉप की मदद से, तो बिल्कुल आपको इस तरह का लेआउट मिल जाएगा। अब देखिए लोगो आपका आ चुका है, इसके बाद आपको ये वाला पहला वाला आपका लेयर है, इसके बाद जो दूसरा वाला लेयर था यानी कि इसके पीछे आपको दिखा देगा, इसे आपको मिनिमाइज करना है या तो आप डायरेक्टली इसे डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से। और एक बार आप इसे आप नए लोगों को सेव कर दीजिए आपके लोकल कंप्यूटर में और आसानी से आप अपने लोगों को आपकी वेबसाइट में यूज़ कर पाओगे आपके खुद के लोगों को। तो इस तरह से आपको लोगो कस्टमाइज़ करना है। अब देखिए आपको जाना है फाइल में और वहाँ पे आपको चूज करना है PNG, इसके बाद आपको आपके डेस्कटॉप में इसे सेव करना है। तो ये तो होगी लोगों की बात, इसके लिए आपको यूज़ करना है फोटोशॉप। फोटोशॉप का कोई भी प्रकार का वर्जन यूज़ कर सकते हो और सिंपली आप इस तरह का लोगो बना सकते हो। तो अब मुझे पता चल गया हो और आपको अब मैं आशा रख सकता हूँ कि आपको लोगो किस तरह से बनाते हैं वो समझ में आ गया होगा। देखिए बिल्कुल इस तरह का लोगो। इसके बाद देखिए एक और आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है कि जैसे कोई भी यूज़र वेबसाइट को यहाँ से स्क्रॉल करता है देखिए इस तरह से, तो ऑटोमेटिकली जो स्टिकी मेनू है इसके अंदर जो लोगो की जगह आपको दिखा देगा आइकॉन, देखिए। तो ये कैसे पॉसिबल है तो ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। इससे पहले आपको इस तरह का आइकॉन बनाना जरूरी है आपकी वेबसाइट का, तो ये भी जो मैंने आपको पहली मेथड बताई थी इस तरह से आप कर सकते हो। इस पर राइट क्लिक करना है और सेव इमेज पर क्लिक करना है और यही इमेज को आपको आपके डेस्कटॉप में सेव करना है। सेव करने के बाद आपको ओपन विथ फोटोशॉप करना है, इसके बाद जैसे फोटोशॉप में ओपन होती है इसके बाद आपका आइकॉन इस पर आपको रिप्लेस करना है और इसे आपको सेव करना है। तो इतना करोगे तो आपके सामने जो आपका नया लोगो और आपका आइकॉन आ जाएगा। जैसे कि देखिए ये जो हमारा लोगो है हमने बनाया और इसके बाद ये हमारा आइकॉन, तो जैसे कि हमने पिछले आइकॉन पे इसे रिप्लेस किया था, तो ये हो गया आपका लोगो का। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से आपको स्टिकी मेनू पे जो आपका लोगो आपको ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी हमने करके रखा है। देखिए कोई भी यूज़र इसे स्क्रॉल करेगा तो लोगो अलग होगा देखिए, और अगर फिर से जाएगा तो भी लोगो अलग होगा। तो इसके लिए करंटली जो हम हमारे थीम पैनल में हैं वहाँ पे आपको जाना है, करना कुछ भी नहीं है। अब देखिए आपको सबसे पहले आपका काम आपको दो
काम करना है, सबसे पहले आप अपना लोगो शूज कर लीजिए। लोगो बनाने के बाद देखिए लोगो अपलोड, इसके बाद सिंपली आपको जाना है लोगो मोबाइल, लोगो फॉर मोबाइल, और वहाँ जाकर आपको आपके मोबाइल के लिए लोगो शूज कर लेना है। अपलोड बटन पर क्लिक करके जो अपने डेस्कटॉप पे लोगो बनाए है ये वाले, इसे आप शूज कर लीजिए। ये दो लोगो को शूज करने के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब देखिए आपके लोगो आ चुके हैं, लेकिन जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपका आइकॉन यहाँ पर शो नहीं होगा। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, अब देखिए स्टिकी मेनू वाले ऑप्शन है, वहाँ पे आपको मेनू में जाना है फिर से, और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए लास्ट वाला ऑप्शन होगा, देखिए ये वाला। अब देखिए लास्ट वाला ऑप्शन आपका रहेगा लोगो ऑन स्टिकी मेनू, तो वहाँ पे आपको शूज करना है देखिए मोबाइल लोगो। अब आपने जो मोबाइल के अंदर लोगो अपलोड किया है वो लोगो आपके स्टिकी मेनू के अंदर शो होगा, तो आपका काम हो चुका है। अब देखिए एक बार आप रिफ्रेश करके चेक करोगे तो आपका स्टिकी मेनू के अंदर आपका आइकॉन शो होगा, नहीं के लोगो। तो अगर देखिए अगर आप लोगो भी शो करवा सकते हो, लेकिन होगा क्या कि अगर आपके मेनू की लेंथ अगर बड़ी है, इसके अंदर आपने बहुत ही सारे ऑब्जेक्ट ऐड करके रखे, तो आपका मेनू यहाँ पे बिगड़ सकता है इसका लेआउट। तो आपको ये आइकॉन यूज़ करना आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रह सकता है। तो ये मेरा आपको पर्सनल रिकमेंड है कि आप इस तरह का कस्टमाइजेशन कर सकते हो आपकी थीम के अंदर। तो सबसे पहले आप अपने मेन मेनू और मोबाइल मेनू पे के लिए लोगो शूज कर लीजिए, इसके बाद आपके मेनू को आप ऑलवेज स्टिकी रखिए, और इसके बाद स्टिकी मेनू के लिए आप अपना मोबाइल का लोगो शूज कर लीजिए। तो आपका हेडर का काम सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद देखिए आपके पास और दो ऑप्शन है, हेडर बैकग्राउंड इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद आपका जो देखिए फूटर का काम आता है, अब देखिए आप आपकी वेबसाइट को विजिट करोगे तो इसके फूटर के अंदर आपको यहाँ पे आपका बहुत ही बड़ा फूटर शो होगा। तो इसे आप कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। आपको क्लिक करना है फूटर पे, इसके बाद जितने भी आपके फूटर, इसे आप सबसे पहले डिसेबल कर दीजिए। देखिए शो फूटर, तो इसे आपने डिसेबल कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए फूटर इन्फो, इसके अंदर भी आप सब कुछ डिसेबल कर दीजिए। आप एक प्रकार के लोगो भी अपलोड ना कीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी हमने शो सोशल आइकन को डिसेबल करके रखा है। इसके बाद फूटर बैकग्राउंड को भी आप यहाँ से डिसेबल रखिए, इसका मतलब कि आपको यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद आपको जाना है सब फूटर में। अब देखिए सब फूटर आपको शो रखना है। सब फूटर के अंदर आपको देखिए आपका कॉपीराइट टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि देखिए मैंने लिखा है। अब देखिए इसके अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कि क्या आप अपने टेक्स्ट के सामने कॉपीराइट आइकॉन शो करवाना चाहते हो, तो आपको इसे एनेबल रखना है। देखिए आपको देखिए देखा है कॉपीराइट सिंबल, इसे एनेबल रखिए और आप इसे आपका टेक्स्ट लिए आपका जो भी डोमेन है इस तरह से। तो देखिए 2018 कंप्यूटर हैक्स, और इसके बाद आप यहाँ पे .com भी लिख सकते हो आपका अगर .com डोमेन है तो इस तरह से। और आप एक बार सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिए, और एक बार हम रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं तो जो आपका यहाँ पर अब कॉपीराइट टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। देखिए दिख रहा है आपको 2018 कंप्यूटर हैक्स .com। तो इस तरह से आप फोटर का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल फोटर रखने का आपको बेनिफिट क्या है। अब देखिए जनरली होता क्या है कि अगर आप अपने फोटर में सभी सोशल आइकॉन शो करवाते हो, इसके बाद यहाँ पर आप कुछ मेनू वगैरह शो करवाते हो, इसके बाद आपने जो वेबसाइट का आप लोगो शो करवाते हो, जैसे कि सभी ऑप्शन आपको इस थीम में अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे फोटर बैकग्राउंड, फोटर लोगो, फोटर इमेज, सोशल आइकॉन वगैरह, लेकिन आपको इसे शूज नहीं करना है। अब देखिए इसका इफेक्ट डायरेक्टली आपकी वेबसाइट की स्पीड पे पड़ सकता है। और जनरली होता क्या है कि देखिए सभी पोस्ट में डिफॉल्ट आपका फोटर लोड होता है, तो इसके अंदर आपका लोगो लोड होगा, इसके बाद आपका मेनू, इसके बाद आपका बैकग्राउंड वगैरह, तो आपकी स्पीड में कहीं ना कहीं आपको बहुत ही सारा इफेक्ट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपका ये सिंपल जो आपका फोटर है वहीं आपके लिए बहुत ही बेटर रह सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको इस तरह से शूज करना है, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि फोटर आपको किस तरह से कस्टमाइज करना है। तो ये फोटर का काम हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद आगे का स्टेप है वो है एड्स। अब देखिए मैं पहले इस थीम का यूज़ करता था, तो यहाँ पर थी आपको एड शो होगी। अब देखिए आपके पास ऑलरेडी आपकी पुरानी वेबसाइट है, आपके पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है, तो आपको एड के अंदर जाना है। वहाँ पर जाके देखिए आप इस थीम का यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही सारे ऑप्शन मिलेंगे, इसका आप यूज़ कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही अच्छी थीम हो सकती है और बिल्कुल फ्री है, तो आपको इसे ट्राई करना चाहिए। इसी रीजन से मैंने ये वीडियो बनाया है पूरा वीडियो। अब देखिए ये सभी एड्स के अंदर आपको करना कुछ भी नहीं, आपको सिंपल एक ही ऐड का यूज़ करना है, वो है हेडर ऐड का। देखिए आपको यहाँ पर दिखा देगा, तो आपको हेडर ऐड पर क्लिक करना है, और जो आपका रिस्पॉन्सिव ऐड यूनिट है इसका आपको कोड यहाँ पर पेस्ट करना है अगर आपके पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है तो। और इसके बाद आपको सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। अगर आपकी नई वेबसाइट है तो आपको यह कुछ करना नहीं है, बाद में भी आप कर सकते हो। अब देखिए हमने एड्स का काम कर चुका है। इसके बाद देखिए आप टेम्पलेट सेटिंग पर क्लिक करोगे
तो इसके अंदर आपका जो कुछ स्मार्ट साइडबार वगैरह आते हैं। अब देखिए, आप एडसेंस का यूज़ करते हो तो आपको स्मार्ट साइडबार को एनेबल नहीं करना है। देखिए, अगर आप एनेबल करते हो तो एडसेंस की प्राइवेसी की पॉलिसी के खिलाफ हो जाएगा और आपका एडसेंस डिसेबल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो आप इसे स्किप कर दीजिए। इसके बाद वेलकम पे आप क्लिक कीजिए। अब देखिए, वेलकम के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखिए, शो वेलकम आपको इसे एनेबल रखना है ताकि आपकी पोस्ट पे वेलकम शो हो और इसकी मदद से आसानी से आप अपनी वेबसाइट को गूगल में अच्छी तरह से रैंक करवा पाए। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है, देखिए, शो वेलकम होम लिंक। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिखा देगा, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको देखा यहाँ पर दिखा देगा होम ब्लॉग। अब देखिए, बहुत ही सारे यूज़र मुझे बार बार पूछते रहते हैं कि होम के अंदर से हम किस तरह से इसे रिमूव कर सकें, तो थीम पैनल के अंदर ही आपको इसका ऑप्शन मिलता है। तो देखिए, इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं, सिंपली आपको देखिए शो वेलकम होम लिंक इसे आप डिसेबल कर दीजिए। इसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है और आपको सिंपली जाना है आपके होम पेज पर, वहाँ से आपको वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करना है तो आपका जो होम होगा वो यहाँ से सक्सेसफुली रिमूव हो जाएगा। देखिए, आपको देखा देगा होम यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब देखिए, बहुत ही सारे यूज़र के मन में क्वेश्चन होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि ये जो ब्लॉग लिखा है इसे क्या हम रिमूव कर सकते हैं, और ये जो ब्लॉग है इसे रिमूव होना है, इसके बाद ऐसे हम रिमूव करते हैं, लेकिन ये जो ब्लॉग रिमूव करने के बाद हमारे आर्टिकल में तो वेलकम शो होना चाहिए। देखिए, जिससे आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे कि आपने थीम पैनल के अंदर से होम को रिमूव किया, तो देखिए जब भी आर्टिकल के अंदर भी होम रिमूव हो चुका है तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो फिर से आप थीम पैनल में जाइए, वहाँ तक आपको आपकी होम लिंक को एनेबल करना है और सेव चेंजेस पर क्लिक करना है और फिर से आपको इसे एक बार रिफ्रेश करना है। तो आपका सबसे पहले तो आपका होम शो होना ज़रूरी है। देखिए, होम, शॉर्टकट की और आपका आर्टिकल। अब देखिए, मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ जो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास सीमेंट का एक्सेस होना ज़रूरी है तो ही आप ये कर सकते हो। अब देखिए, हम बैकएंड में जाएंगे और वहाँ जाकर हम हुक फाइल वगैरह एडिट करेंगे। देखिए, आपको हमें ये रिमूव करना है। देखिए, आपको यहाँ पर दिखा देगा, मैं आपको हाइलाइट करके दिखाता हूँ, हमें ये वाला रिमूव करना है। अब देखिए, इससे अगर आप इसे रहने दे तो आपको होगा क्या, जब भी आपकी वेबसाइट गूगल में शो करेगी तो इसके अंदर देखिए इस तरह का शो होगा, होम, इसके अंदर ब्लॉग, तो आपका ये तो ब्लॉग तो नहीं है, डायरेक्टली आपकी होम शो होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका काम हो जाए, आपको इसे रिमूव करना है, कुछ भी हो जाए तो आपको करना कुछ भी नहीं है। जो मैं आपको स्टेप कहता हूँ वो आपको स्टेप को फॉलो करना है। आपको जाना आपकी सी पैनल के फाइल मैनेजर में और वहाँ जाके आप एक बार देखिए, हमने काफ़ी समय से इसे रिफ्रेश नहीं किया तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। अगर आपका जो सेशन आउट हो चुका है तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। अब देखिए, करंटली तो वर्क कर रहा है। अब हम जाएंगे, आपको जाना है आपकी मेन वेबसाइट के फोल्डर में और वहाँ जाके आपको WP कंटेंट, इसके बाद आपको थीम और आपकी आयरन मैन थीम। इसके अंदर देखिए, आपको ये जो आपकी करंटली जितने भी आर्टिकल यहाँ पे फेच हो रहे हैं वो आपकी इंडेक्स फाइल में से आ रहे हैं, देखिए ये वाला सब कुछ। तो सिंपली आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सबसे पहले आपको ओपन करना है आपका इंडेक्स पेज। इसके अंदर से आपको देखना है कि जो इसके अंदर क्या ऐसा है जिसकी मदद से आपका वेलकम आपके मेन मेनू में यानी कि होम पेज पे शो होता है। तो आपको नीचे जाना है और वहाँ जाकर आपको वेलकम फाइंड करना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर दिखा देगा वेलकम। तो अब हम ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे होम पेज पे वेलकम शो नहीं करवाना चाहते, तो आपको यहाँ पर ये दिखा देगा ये वाला वेलकम ऑप्शन, इसे आपको यहाँ से रिमूव करना है। देखिए, इस तरह से अपडेट कर दीजिए, इसके बाद इस फाइल को सेव कर दीजिए और आप एक बार जाइए आपकी वेबसाइट में और वहाँ जाकर आपको एक बार रिफ्रेश कीजिए तो आपके होम पेज के अंदर से जो आपका वेलकम है वो सक्सेसफुली रिमूव हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमने सक्सेसफुली इसे रिमूव कर दिया, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम हो चुका है कि आपके जो सभी आर्टिकल है वो आपके नेविगेशन मेनू से टच हो चुके हैं। तो देखिए, आपको करना कुछ भी नहीं, फिर से आप कंट्रोल जेड प्रेस कीजिए आपकी एडिट फाइल में और वहाँ जाकर आप डायरेक्टली देखिए सिंपल इस PHP कोड को ही रिमूव कीजिए और सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिए और फिर से आप इस फाइल को रिफ्रेश कीजिए तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब हम देखते हैं कि क्या ये वेलकम हमारे आर्टिकल के अंदर शो होता है। आर्टिकल के अंदर शो होना ज़रूरी है, हमें सिर्फ होम पेज के अंदर ही रिमूव करना है। तो आर्टिकल को हमने रिफ्रेश किया, अब देखिए आपको यहाँ पे वेलकम शो होगा। तो काफ़ी सारे यूज़र के मन में जो ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन मैंने आज के वीडियो में आपको दे दिया कि किस तरह से आपको होम पेज में से वेलकम रिमूव करना है। तो ये हो गया हमारा वेलकम, जैसे कि टेम्पलेट सेटिंग। इसके बाद ये जो जितना भी सेटिंग है
इसे डायरेक्टली देखिए आप इसे स्किप कर दीजिए, जैसे कि आपका कैटेगरी हो गया। इसके बाद डायरेक्टली आपको जाना है पोस्ट सेटिंग पे। अब देखिए पोस्ट सेटिंग में आपको बहुत ही सारा सेटिंग करना है। अब सबसे पहले आप पोस्ट पे क्लिक कीजिए। इसके अंदर आपको देखिए सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल ओपन करके दिखाता हूँ कि जैसे कि आपको देखिए आप डिफ़ॉल्ट थीम को जब इंस्टॉल करोगे तो आपको ये सभी जितने भी ऑप्शन मैंने करंटली डिसेबल करके रखे वो सब आपको डिसेबल करने पड़ेंगे। जैसे कि देखिए सबसे पहला ऑप्शन है शो कैटेगरी टैग, तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए। इसके बाद शो कैटेगरी ऑर्डर, तो देखिए सबसे पहले हम सभी ऑप्शन को एनेबल करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको इसे डिसेबल करना है। अब देखिए सभी ऑप्शन मैंने एनेबल कर दिए। अब मैं एक बार सिंगल पोस्ट को रिफ्रेश करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या आपको इसमें करना है। अब देखिए सिंपल आर्टिकल है। अब देखिए जैसे हमने आर्टिकल को रिफ्रेश किया तो इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा देखिए शॉर्टकट की। तो सबसे पहले तो आपको इसे डिसेबल करना है क्योंकि ये शो नहीं करवाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑथर का नाम ऐड करना है, इसके बाद डेट ऐड करनी है, ये सब कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे आप जाओगे तो नीचे भी आपको कुछ ऑप्शन को डिसेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको देखिए मैंने बताया इस तरह से, सबसे पहले शो कैटेगरी टैब आप ऐड कर दीजिए, इसके बाद आपका जो डिस्प्ले टैग ऑर्डर आप ऐड कर दीजिए, इसके बाद ऑथर नेम और इसकी डेट, देखिए इतने ऑप्शन आप ऐड कर दीजिए। इसके बाद आपकी पोस्ट का व्यू आप शो करवा सकते हैं। इसके बाद कमेंट काउंट, इसके बाद जो बॉटम का अब आ चुका है कि टैग आप शो करना चाहते हो तो इसके लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और वहाँ जाएंगे तो ये ऑप्शन आप एनेबल रखते हो तो आपके टैग शो हो गए। इसके बाद हम जाते हैं देखिए ऑथर बॉक्स, तो ये ऑथर बॉक्स हो गया देखिए कंप्यूटर हैक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रीवियस पोस्ट, तो जो आपकी नेक्स्ट और प्रीवियस पोस्ट होगी वो यहाँ से शो होगी। इसके बाद देखिए आपको देखा देखिए प्रीवियस आर्टिकल, तो ये सभी ऑप्शन है। तो इसमें से जैसे कि देखिए आप सभी एनेबल रहने दीजिए, आपके लिए ये सभी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आप इसे डिसेबल कर दीजिए जनरल मॉडल इमेज और आप सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिए, तो आपका देखिए पोस्ट सेटिंग सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद फ्यूचर इमेज पे आप जाए, अब देखिए आप जैसे आर्टिकल इस थीम को एक्टिव करोगे तो ये दोनों ऑप्शन एनेबल हो गए। अब इससे क्या होगा कि जैसे देखिए आप अपनी पोस्ट का थंबनेल यूज़ करते हो वो थंबनेल आपकी आर्टिकल के अंदर शो होगा। देखिए मैं इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ, अब हमने एनेबल कर दिया है तो आपको पता चलेगा। अब देखिए जैसे हमने इस ऑप्शन को एनेबल किया आपके पास ऑलरेडी ये एनेबल होगा, तो देखिए हमारा जो पोस्ट का थंबनेल था वो यहाँ पर शो हुआ। तो अब हमें इसे हाइड करना है, तो सिंपली आपको थीम पैनल में जाकर ये दो ऑप्शन को डिसेबल कर देना है और आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है तो जो सिंगल पोस्ट के अंदर आपका थंबनेल शो नहीं होगा, देखिए इस तरह से। तो देखिए ऑप्शन सक्सेसफुली डिसेबल हो चुका है। इसके बाद और भी ऑप्शन है, शेयरिंग का ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए और वहाँ पे देखिए मैंने जस्ट बॉटम शेयरिंग ऑप्शन को एनेबल रखा है, आप भी इस तरह का रख सकते हो। अब टॉप शेयरिंग एनेबल करोगे तो आपके आर्टिकल के टॉप में शेयरिंग ऑप्शन शो हो गए, तो इसे आप डिसेबल कर दीजिए। आप सिंपल और सिंपल यानी कि ओनली वन आप बॉटम शेयरिंग बटन को ही एनेबल रख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। इसके बाद आप सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिए, तो जो आपका सिंगल आर्टिकल का काम यहाँ पर हो चुका है जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया था इस तरह से पोस्ट सेटिंग। इसके बाद आपका जो आगे का स्टेप आता है वो आता है आपका फॉन्ट वगैरह थीम फॉन्ट पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए मैं जनरली जितनी भी IMS मैंने कस्टमाइज करके रखे इसके अंदर अगर आप सिंगल पोस्ट को विजिट करते हो तो आपको पता चलेगा कि मैं जब भी जितने भी मेरे पास थीम है जितनी भी वेबसाइट है इसमें मैं एक ही फॉन्ट का यूज़ करता हूँ, इस फॉन्ट का नाम है वर्धना। अब देखिए आपको देखा जाएगा ये वर्धना फॉन्ट है, आप अपने मुताबिक आपको जो भी अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो या तो डिफॉल्ट इसके अंदर भी आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे कि हम जाते हैं थीम फॉन्ट्स, इसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट कंटेंट के अंदर आपको जाना है और वहाँ जाकर आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपको जो इसके फॉन्ट पसंद आए इसका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि देखिए पोस्ट कंटेंट डिफॉल्ट ब्लॉक कोट वगैरह, देखिए सभी जगह मैंने वर्धना यूज़ किए हैं और जो जितने भी एच टैग हैं इसके अंदर मैंने देखिए हेरिटेज का न्यू ये वाला फॉन्ट यूज़ किया है। आप अपने मुताबिक जो भी आपको पसंद है इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे तो मैंने आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए बताया था कि इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने बॉडी मेनू वगैरह के फॉन्ट चेंज कर सकते हो, लेकिन आप इसे डिफॉल्ट ही आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। इसके बाद आगे का स्टेप आता है वो है सोशल नेटवर्किंग। अब देखिए सोशल नेटवर्क पर आपको क्लिक करना है। अब आपने अगर आपके देखिए हेडर में जाके टॉप बार में जाके सोशल मेनू एनेबल करके रखा है तो आपको यहाँ पर कुछ URL पेस्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि देखिए ब्लॉगर, इसके बाद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह। तो कुछ आपको करना कुछ भी नहीं, आपके जितने भी सोशल अकाउंट हैं इसके यूजर नेम यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके टॉप बार में शो हो गए। देखिए आपको यहाँ पर
दिखाई देंगे ये वाले, तो वहाँ जाके आप सिंपली रिफ्रेश करोगे तो आपको सभी आइकॉन दिखा देंगे। और इस तरह से आप अपने टॉप बार में सोशल मीडिया आइकॉन ऐड कर सकते हो। तो देखिए मोस्ट ऑफ हमारा कस्टमाइजेशन हो चुका है, तो इस तरह से आपको इसे कस्टमाइज करना है। अब देखिए हम आ चुके हैं लास्ट ऑप्शन पे, जैसे कि सोशल नेटवर्क, ये भी हमने कर दिया है। इसके बाद और भी कुछ कस्टमाइजेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया इस तरह से। अब देखिए अब जो बहुत ही वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए कस्टमाइजेशन करना। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको तो पता चलेगा कि जो हम जो करंटली कस्टमाइजेशन कर रहे हैं वो वाले थीम में वेलकम नेविगेशन आपको यहाँ पर दिखा देगा, आप ध्यान से देखिए। और जो मैं आपको जो हम ऑन रोड देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंट वेलकम नेविगेशन शो हो गए, जैसे कि देखिए आपको यहाँ पर दिखा देगा, देखिए इस तरह से। तो ये भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जस्ट ये आपके लेआउट के लिए है कि इसके अंदर होम के आगे होम का आइकॉन शो होता है। इसके अंदर जो यहाँ पे आपको देखा देखिए ये राको के साइन है वगैरह, तो इसके लिए आपको एक प्लगइन का यूज़ करना पड़ेगा। वो प्लगइन का नाम है ब्रेडकम नेवेक्स, इसका आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको कुछ आपकी हुक फाइल वगैरह एडिट करनी है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये कॉम्प्लिकेटेड वर्क करने की ज़रूरत नहीं, इसमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, ये जस्ट आपके लेआउट में फ़र्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आप इसे एडिट ना करें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए आपको ये जो डिफॉल्ट ब्रेडकम है वही आपके लिए परफेक्ट है, तो आप इसका भी यूज़ कीजिए और आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। तो जैसे कि देखिए हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बात की, इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और आपको कुछ कस्टमाइजेशन और करने हैं तो हम देखते हैं। देखिए ये तो हमारी डिफॉल्ट थीम है, अब हम बस जाएंगे ऑन रोड में और वहाँ जाकर हम देखेंगे कि क्या इसमें कुछ एडवांस में कुछ कस्टमाइजेशन है वगैरह। देखिए आपको ये थीम है, देखिए और भी जो यूज़र मुझे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि जो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर की एप्लीकेशन हम किस तरह से हमारे वेबसाइट में फेस कर सकते हैं, तो इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना सको, इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हो किस तरह से आप प्ले स्टोर की एप्लीकेशन आप वर्डप्रेस में ला सकते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया इस तरह से, ये जो शेयरिंग ऑप्शन मैंने बॉटम में एनेबल करके रखा है तो आपको बॉटम में दिखा देगा। इसके बाद ऑथर बॉक्स हमने एनेबल कर रखा है तो आपको ऑथर बॉक्स दिखा देगा वगैरह, और हमने सभी पोस्ट के अंदर कमेंट को एनेबल करके रखा है तो आपको कमेंट भी दिखा देगी ये इस तरह से। और इसके बाद ये रिव्यू है, अगर आप अपनी सर्च कंसोल में यानी कि सर्च रिजल्ट में आप रिव्यू स्टार शो करवाना चाहते हो तो इस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दूंगा, वहाँ तक आप शो इसे विजिट कर सकते हो और सीख सकते हो कि किस तरह से आप अपने जो सर्च रिजल्ट है गूगल के अंदर, अगर मान लीजिए आपका आर्टिकल कोई भी आर्टिकल रैंक होता है किसी भी पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कीवर्ड की मदद से, तो इसके नीचे अगर स्टार शो हो गया तो डेफिनेटली विजिटर के मन में कुछ ना कुछ तो होगा कि जो इस वेबसाइट के अंदर कुछ खास है, तो ये विजिट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, इसकी मदद से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आ सकती है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको सिंपल दिखाता हूँ कि ऑनरोड के अंदर हमने इसका यूज़ करके क्यों रखा है। देखिए आपको यहाँ पर दिखा देगा, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कोई भी यूज़र यहाँ पे आता है गूगल में और ऐसे लिखता है कि मस्ट हैव एंड्रॉयड एप्स फॉर ब्लॉगर, इस तरह से एक लॉन्ग टर्म कीवर्ड हो गया। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए जैसे गूगल यहाँ पे फेस करेगी रिजल्ट, देखिए यहाँ पे को देखा देखिए 17 करोड़ से भी ज़्यादा का रिजल्ट यहाँ पर आपको शो होगा। इसके नीचे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, अब देखिए हमारा जो आर्टिकल है वो फर्स्ट पेज पे 4th नंबर पर रैंक हो रहा है, आपको यहाँ पर दिखा देगा, लेकिन ये सभी आर्टिकल है इसके आर्टिकल के कंपेयर में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसके नीचे आपको स्टार रेटिंग ऑप्शन दिखा देगा ये वाला, देखिए आपको यहाँ पर दिखा देगा रेटिंग। तो ये भी आप कर सकते हो अगर आपके पास जो कुछ एडवांस करने का कुछ नॉलेज है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ जाकर आपको एक वीडियो मिलेगा, इस वीडियो को विजिट करना है, तो आसानी से आप ये भी कर सकते हो। अब देखिए आर्टिकल आपकी वेबसाइट को आप कितनी पोजीशन पर रैंक करवा सकते हो, ये सब कुछ आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, इसके बाद आप कर सकते हो। फिर भी मैंने एक जो डिफरेंट वीडियो बनाया है इस पर कि आप किस तरह से आपके आर्टिकल को गूगल में रैंक करवा सकते हो और किस तरह से आप परफेक्ट आर्टिकल राइट कर सकते हो इस तरह का, कि इसकी मदद से आसानी से आपका आर्टिकल गूगल में फर्स्ट पेज पर रैंक करवा सकते हो। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसे हम विजिट करते हैं तो यहीं आर्टिकल पर हम रैंक हो गए जो कि हमने करंटली यहाँ पर ओपन करके रखा है, और जो आपका आर्टिकल गूगल में रैंक होता है, अब देखिए आर्टिकल रैंक हुआ है, इसके मदद से आपको आपकी अगर आपके पास दूसरी वेबसाइट है तो इसके अंदर भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब देखिए मैंने कॉमनली किया क्या है, देखिए नीचे स्क्रॉल करके तो आपको पता चलेगा कि अगर आपका कोई आर्टिकल
रैंक होता है तो आपको क्या बेनिफिट होता है। अब देखिए ये आर्टिकल ऑलरेडी रैंक है गूगल में, इसकी वजह से दूसरी वेबसाइट की यहाँ पे मैंने एक बैक लिंक बनाई है। अब कोई भी यहाँ पर क्लिक करेगा तो एक और मेरी वेबसाइट विजिट होगी यानी कि ओपन होगी और वहाँ जाके आसानी से कोई भी यूज़र जा सकता है। तो देखिए एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपकी सीपीसी, आपकी ट्रैफिक, आप सब कुछ यहाँ से ले सकते हो। अगर आपका देखिए आपके पास ब्लॉग है, आपका कोई भी एक आर्टिकल अगर गूगल में रैंक होता है तो इसके मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये मैंने आपको जस्ट एक देखिए सिंपल, मैंने ये वीडियो का टॉपिक तो नहीं है लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए समझा दिया कि इस तरह से सब कुछ गूगल वर्क करता है और आपको ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम फॉलो कर रहे हैं Android.com को, तो मेरे ख्याल से हमारा मोस्ट ऑफ कस्टमाइजेशन हो चुका है। देखिए जैसे कि हमने नेविगेशन मेनू को लिया, इसके बाद ये मेनू, इसके बाद एड वगैरह, इसके बाद ये सब कुछ। अब हमारा जो मेन वर्क रह गया वो है देखिए होम पेज लेआउट। अब देखिए बहुत ही सारे यूज़र मुझे बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि इस तरह का लेआउट हमारे वेबसाइट में क्यों नहीं आता, तो इसके लिए आपको अलग से एक पेज बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये जो आयोन में से इसका जो इनबिल एक पेज बिल्डर है इसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली आपको जाना है आपकी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में। अब हम जाते हैं डैशबोर्ड में और वहाँ जाके आपको सबसे पहले एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा, इसके बाद ये सब कुछ आप कर सकते हो। अब देखिए अगर आपको इस तरह का लेआउट लाना है तो आप मुझे आप आसानी से और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, तो आप आसानी से आप इस तरह का लेआउट ला सकते हो। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको जाना है पेजेस पे और वहाँ जाके आपको देखना है कि क्या आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में डिफॉल्ट होम पेज है या नहीं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर होम पेज नहीं है, तो आप ऐड न्यू पेज पे क्लिक करके यहाँ से आप होम पेज को ऐड कर लीजिए। इसके बाद आपको इसका यूज़ करना है। अब देखिए ऐड न्यू पेज पे मैंने क्लिक किया, इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है होम। देखिए हमने होम लिख लिया, इसके बाद आपको पब्लिश बटन पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको इस पेज को पब्लिश कर देना है। अब देखिए पेज सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है। अब इसके बाद आपको अगर आयन में जब यूज़ करते हो तो इसके नीचे आपको ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पर आपको दिखा देगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है टेक DIY कंपोज़र। तो आपके सामने एक पेज बिल्डर ऑप्शन ओपन होगा और वहाँ जाकर आपको जिस तरह का भी कस्टमाइजेशन करना है आप आसानी से कर सकते हो, यानी कि आपको जैसा लेआउट जाए आप यहाँ से ले सकते हो। अब देखिए ये कस्टमाइजेशन ओपन हो चुका है, ये आपका सिंपल पेज है आयरन मेस के अंदर। इसके बाद आपका ये साइड बार है, अब ये आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐड एलिमेंट पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको आपका लेआउट चूज करना है। अब देखिए अब अगर आप Android.com जैसा लेआउट लेना चाहते हो तो इस तरह का आपको एक आइकॉन शो होगा, देखिए पूरी तरह का इस तरह का। तो आपको जाना है आपकी वेबसाइट में, वहाँ जाकर आपको ये ब्लॉक कोड है इसके अंदर से आपको आइकॉन फाइंड करना है। अब देखिए मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और वहाँ पे हम देखते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर दिखा देगा, हमने इसे सक्सेसफुली फाइंड कर लिया। देखिए आपको यहाँ पर दिखा देगा डिफॉल्ट हम यूज़ करते हैं ऑनरोड में, इसका हम यूज़ करेंगे देखिए बिल्कुल फ्री वाला। तो इसके बाद आपको यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक करना है और आपको इसे क्लोज करना है, येस पे क्लिक करना है, तो जो आपका ब्लॉक का ग्रिड सक्सेसफुली यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद आगे का स्टेप आपका रहेगा कि अगर आपको इस तरह का बिल्कुल लेआउट चाहिए तो आपको एक जो ऑप्शन स्किप नहीं करना है, देखिए आपको टेम्पलेट पे जाना है और वहाँ पे आपको चूज़ करना है पेज बिल्डर प्लस लेटेस्ट आर्टिकल प्लस पेजिग्नेशन और आपको अपडेट पे क्लिक करना है। तो अब जो आपका लेआउट होगा वो बिल्कुल ऑनरोड की जैसा होगा। अब देखिए ये थीम हमने लेटेस्ट अपडेटेड थीम को डाउनलोड किया है, अब हम चेक करते हैं कि किस तरह का लेआउट शो होता है। अब देखिए हमने वेबसाइट को रिफ्रेश किया लेकिन आपको यहाँ पर कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं दिखा देगा। अब देखिए बहुत ही सारे जो बिगिनर ब्लॉगर इसके साथ ऐसा हो सकता है, इसी रीजन से मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को कंसिडर किया है। अब देखिए बहुत ही सारे यूज़र क्या करते हैं कि देखिए हमने सर होम पेज तो कस्टमाइज़ कर दिया, सब कुछ कर दिया लेकिन आपके जैसा लेआउट नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये पेज है और जो आपकी वेबसाइट में करंटली फेस हो रहा है वो है आपका इंडेक्स पेज। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है आपके सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको रीडिंग पे क्लिक करना है और रीडिंग पे क्लिक करने के बाद जो आपका जो रिसेंटली आपने होम पेज क्रिएट किया है इसे आपको आपके होम पेज पे रिडायरेक्ट करना है। तो आपको देखिए योर लेटेस्ट पोस्ट है, वहाँ जाकर आपको स्टैटिक पेज पे सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर होम पेज है इसकी जगह आपको होम चूज करना है और आपको इसे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो अब जो आपका लेआउट आएगा वो बिल्कुल आएगा ऑन रोड की तरह। तो ये सब भी आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके बाद आप ये सब कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आपको जो लेआउट होगा वो बिल्कुल ऑनरोड की तरह होगा।
अब देखिए यहाँ पे दो आर्टिकल कुछ एडवांस में ही शो हो रहे हैं, जैसे कि ऑनरोड में नहीं है। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो थीम हमने अभी अभी डाउनलोड की है, तो इसमें कुछ मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक हो सकते हैं, या तो आपकी वेबसाइट में ना हो, लेकिन इस तरह का कस्टमर आ चुका है। इसे देखिए आपको लेटेस्ट आर्टिकल आपके वगैरह। इसके बाद हम बात करते हैं साइड बार की। अब देखिए ऑनरोड में हम जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको साइड बार में एक सर्च बॉक्स, इसके बाद लेटेस्ट पॉपुलर आर्टिकल, पॉपुलर कैटेगरी वगैरह शो होता है। तो आपको करना कुछ भी नहीं, आपको जाना है अपीयरेंस, इसके बाद विडजेट पे, और वहाँ जाकर आपको जो भी आपका आपको पसंद आए इसका आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद देखिए इसके अंदर एक खास बात यह है कि आपको इसमें फ्री में सोशल जो इसका एक बॉक्स है वो आपको मिलता है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ सोशल काउंटर, देखिए आपको यहाँ पर दिखा रहा है, इसका आप यूज़ करते हो। ये बिल्कुल सिंपल, आपको यहाँ पर सभी आपके यूज़र नेम पेस्ट करने हैं, तो आसानी से आपके सोशल जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है वो आपको साइड बार में शो हो गए। इसके अलावा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आपके डिफॉल्ट, देखिए आई एम में डिफॉल्ट साइड बार में, तो इसके अंदर आपको देखिए सर्च, इसके बाद टैक्स ऐड करना है, इसके बाद पॉपुलर कैटेगरी, ये सभी विडजेट आपको इसके अंदर कस्टम मिल जाएगा, इसका आप यूज़ कर सकते हो। देखिए आपको सभी का विडजेट मिलेंगे, सर्च टैक्स वगैरह, इसका आप एक एक करके यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको इसे सेव करना है और आपकी वीडियो को एक बार रिफ्रेश करना है, तो बिल्कुल इस तरह का लेआउट आ जाएगा, जैसे कि onroad.com में है इस तरह का। देखिए अब हम एक बार और रिचेक करते हैं कि क्या onroad.com की जैसा सब कुछ आ चुका है या तो कुछ और मिस हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और हम देखते हैं, और यहाँ पे आपको देखिए तो मेरे ख्याल से परफेक्ट है। इसके बाद हम एक कैटेगरी को विजिट करते हैं और देखते हैं कि जो मैं आपको कुछ एडवांस में सिखा सकूँ तो सिखा देता हूँ इस वीडियो के अंदर। अब देखिए मैंने ऐप्स के अंदर क्लिक किया तो ऐप्स एक कैटेगरी है, लेकिन अब देखने वाली बात आपको यहाँ पर यह दिखा देगी कि यूआरएल के अंदर आपको देखिए कैटेगरी नहीं शो होगा। तो आप अपनी जो यूआरएल को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हो। अब देखिए मैंने ये कभी मेरे ख्याल से किसी भी वीडियो में नहीं बताया कि आप किस तरह से कर सकते हो, तो ये वीडियो के अंदर आपको बोनस में सिखा देता हूँ कि आप अपनी कैटेगरी किस तरह से रिमूव कर सकते हो आपकी यूआरएल के अंदर से। तो जैसे कि देखिए ये सिंपल आर्टिकल ओपन हो गया। अब मेरे ख्याल से जो ये हमारा पोस्ट है वो बिल्कुल ऑनरोड की तरह यहाँ पर हो चुका है, बिल्कुल सेम टू सेम ऑनरोड की तरह यहाँ पर हो चुका है। लेकिन अब हम क्लिक करते हैं देखिए हाउ टू पे, तो अब आपको पता चलेगा कि जो मैं आपको क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए हमने हाउ टू पे क्लिक किया तो आपकी आपको यूआरएल के अंदर देखिए आपको यहाँ पर दिखा देगा कैटेगरी आपको शो हो रही है, और अब हम कैटेगरी रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको देखेगा ऑप्स पेज नॉट फाउंड। अब आप इसे कैसे रिमूव कर सकते हो, देखिए इसकी वजह से आपके सर्च कंसोल में बहुत ही सारी एरर वगैरह आ सकता है। तो इसके लिए आपको जाना है सिंपली प्लगइन में, और वहाँ जाकर प्लगइन यूज़ करना है, और इसके मदद से आसानी से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है प्लगइन ऐड करने का सेक्शन, आपको यहाँ पर लिखना है देखिए इस तरह से रिमूव कैटेगरी इस तरह से, तो आपके सामने बहुत ही सारे प्लगइन आ जाएंगे। इसमें से आपको जो प्लगइन यूज़ करना है वो मैं आपको देखिए आप दूसरा वाला प्लगइन आप इंस्टॉल कर दीजिए रिमूव कैटेगरी बेस, और इसके बाद आपको इसे एक्टिव करना है। इसके बाद जस्ट आपको इसे एक्टिव करना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। एक्टिव करने के बाद सिंपली आप अपने होम पेज पर जाएँ और वहाँ जाके एक बार आपको देखिए अब हम इस आर्टिकल को यानी कि इस कैटेगरी को रिफ्रेश करते हैं तो आपको पता चलेगा। अब देखिए मैं इसे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होता है हम देखते हैं। अब देखिए जो 40 पेज यहाँ से रिमूव हो चुका है, अब आ चुका है हमारी कैटेगरी इस तरह से। अब देखिए मैं किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो अब इसके अंदर आपको कहीं भी जो कैटेगरी शो नहीं होगा। जैसे कि देखिए इसके अंदर हम क्लिक करेंगे डू यू नो पे, तो अब इसके अंदर आपको देखिए कैटेगरी शो नहीं होगा, डायरेक्टली आपको शो होगा डू यू नो। तो इस तरह से आप अपनी यूआरएल को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ जो सेटिंग है, लेकिन ये वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल से वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है और अब हम वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहिए। इसके अलावा देखिए आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में बहुत ही सारे प्लगइन का यूज़ कर सकते हो। देखिए बेटर एएमपी एएमपी का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद बहुत ही सारे प्लगइन है, इसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद बिल्कुल सेम आप अपनी वेबसाइट को ऑनरोड या तो कंप्यूटर हैक जैसे बना सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको सब कुछ करना है, किस तरह से आयरमेस थीम सेटअप करनी है वगैरह। अब देखिए ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। अब YouTube के अंदर मेरे ख्याल से आयन मेस के ऊपर अभी तक किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया है। अब देखिए YouTube यहाँ पर ओपन हो चुका है।
अब जनरली देखिए हुआ क्या, मैंने चेक किया था कि अगर आप यूट्यूब में कोई भी यूज़र आके देखिए आयरन में सिर्फ लिखता है और एंटर प्रेस करता है तो क्या होता है, अब सिम और सिर्फ और सिर्फ जस्ट सिंगल कीवर्ड से अगर हमारा वीडियो टॉप पे आ सकता है। देखिए सबसे पहले आपको दिखा देगा, देखिए हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल आयरन मेस थीम, और देखिए ये हमारा वीडियो सबसे पहले आ रहा है। इसके बाद बिल्कुल नीचे भी हमारा दूसरा वीडियो आ रहा है। ये दोनों वीडियो मैंने आयरन मेस थीम पर बनाए थे, तो आयरन मेस के थीम पे वीडियो की ज़रूरत है सभी यूज़र को, क्योंकि थीम बहुत ही अच्छी है, सबके लिए बहुत ही अच्छी और बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो ये वीडियो बनाने की रिकमेंड हुई थी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, आशा करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आया हो। अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।